राजधानी पटना में लूटी गई एलईडी टीवी की बड़ी खेप को पड़ोसी देश नेपाल में खपाने की तगड़ी प्लानिंग थी। लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम भी दे चुके थे, लेकिन पटना की एसएसपी गरिमा मलिक की टीम ने अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए न सिर्फ लूटी गई एलईडी टीवी की खेप को रिकवर कर लिया, बल्कि दो अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 20 अक्टूबर को पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना इलाके में स्थित एक गोदाम से एलईडी टीवी की खेप को लूटा गया था। वारदात के बाद एसएसपी गरिमा मलिक ने सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार की अगुवाई में एक स्पेशल टीम बनाई थी। इस टीम ने बेतिया में रेड कर अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 118 एलईडी टीवी को बरामद कर लिया। एसएसपी ने इस सफलता के लिए सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार और उसकी पूरी टीम को पुरस्कृत किया। एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि लूटी गई एलईडी टीवी को नेपाल और रक्सौल में खपाने की प्लानिंग थी। 20 तारीख की रात्रि में लगभग मध्य रात्रि में 10-11 बजे के आसपास मेहंदीगंज थाना में एक लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। गोदाम में क्विक सॉल्यूशंस नाम, जिसमें कई पीसेस जो हैं एलईडी टीवी के डकैती करने का, चार हथियार भर डकैत जो थे उसमें केस दर्ज हुआ था। केस में इमीडिएटली एसपी पूर्वी साहब के नेतृत्व में जो एक टीम फॉर्म हुई, टीम ने कार्य करते हुए पहले सबसे पहले पिकअप जिसका इस्तेमाल हुआ था गोदाम से ही जो है लोड करके लेकर के जाने में एलईडीज को, उनको रिकवर किया। उसके बाद अलग अलग सूत्रों से सूचना संकलन करते हुए और जितने भी हम लोगों के साइंटिफिक मेथड्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए छापामारी हुई, जिसमें बेतिया जिला से बेतिया पुलिस के कोऑपरेशन से सामान जो है वो रिकवर हुआ है। 118 पीसेस जो हैं एलईडी के जो यहां से लूटे गए थे उनको रिकवर किया गया है। दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। पिकअप वाहन जिससे आगे जो है ट्रांसफर करके सामान बेतिया तक लेकर के जाया गया था उसकी रिकवरी हुई है। साथ में वैगनार कार जो लूट कारित करने के लिए अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल की गई थी उसकी भी रिकवरी हुई है। 3 पीस मोबाइल जो है वो रिकवर हुए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।